हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो सीरीज है। फर्स्ट पब्लिकेशन SCI स्कोपस इंडेक्स जर्नल। और इसको बनाने का रीज़न क्या है कि अभी मेरे कुछ कुलीग्स मेरे पास आए, पूछने लगे कि कैसे सर्च करते हैं स्कोपस इंडेक्स जर्नल, या कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगेगा वो सही है कि नहीं है जर्नल। तो जब मैं उन लोगों को बता रही थी तो मुझे लगा ऐसी क्वेरी और भी रिसर्चर्स की होती होंगी जो अभी इस फील्ड में नए हैं, अभी अभी स्टार्ट किया है। और कुछ गलतियां हो जाती हैं जब हम नए नए रिसर्च में होते हैं, मुझसे भी हुई हैं जर्नल फाइंड करने में। साथ में अभी मेरे एक कुलीग हैं जबकि नए नहीं है रिसर्च में, बट उनके साथ भी एक अभी हुआ कि उन्होंने एक जर्नल फाइंड किया, स्कोपस इंडेक्स जर्नल लिखा था उन्होंने, वहाँ अपना पेपर सेंड किया, पेड पब्लिकेशन कराया स्कोपस इंडेक्स में, और फिर उनको पता लगा कि ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल नहीं है। तो ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं सबसे, ठीक है? तो ऐसी गलतियाँ ना हो उसके लिए ये सीरीज है, हमारा वीडियो सीरीज है। तो इसमें हम 3 to 4 लेक्चर लेकर आएंगे, वीडियो लेक्चर्स, और इसमें हम कुछ जर्नल को डिस्कस करेंगे कि वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है और अच्छे जर्नल हैं, ठीक है? और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जब हम जर्नल फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, जो वीडियो सीरीज है हमारी, ये अनपेड स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स की बात करेंगे, अनपेड SCI जर्नल इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर पेड स्कोपस और पेड SCI पे। वैसे पहले जो मेरा फोकस रहेगा वो अनपेड स्कोपस और अनपेड SCI पे रहेगा, बाद में हम पेड पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा है वो है अनपेड स्कोपस जर्नल। और अनपेड स्कोपस जर्नल में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ये जर्नल हमारी मैच का है कि नहीं है, फिर हाउ टू चेक द स्कोप ऑफ स्कोपस इंडेक्स, कैसे हम इसको देखेंगे कि स्कोपस इंडेक्स है कि नहीं है, इसका स्टेटस देखेंगे कि स्कोपस इंडेक्स तो है, मे बी आपका जैसे कुलीग आपको बता देते हैं कि मैंने उस जर्नल में अपना पेपर छपाया था, वो स्कोपस है और अनपेड है, आपने भी उस जर्नल में भेजा, बट जब आपने भेजा तो पता लगा वो स्कोपस नहीं था, लेकिन जब आपके कुलीग ने भेजा तब तक वो स्कोपस था। तो कैसे चेक करेंगे उसका स्टेटस और उसकी कंटिन्यूटी, फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन एंड कितना टाइम उसको पब्लिकेशन में लगता है। फाउंड जर्नल, सबसे पहले आपने जर्नल सर्च कर लिया अपना कि मुझे इस जर्नल में अपना पेपर भेजना है, और अगर किसी को फाउंड करना नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, फिर आपको वो भी सिखाएंगे कि किस तरीके से जर्नल फाइंड करते हैं, ठीक है? आपको जर्नल मिल गया तो जर्नल में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एम और स्कोप ऑफ जर्नल देखेंगे कि आपका जो आपने पेपर लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, उससे आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उस जर्नल का एक्सेप्टेंस रेट देखेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी, कितना फ्रिक्वेंटली वो पब्लिकेशन है उसका। और हम जर्नल फाइंड करने के बाद कहाँ पे देखते हैं कि वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है कि नहीं है, तो उसकी साइट है scopus.com। तो हम इस साइट पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको गूगल में लिखेंगे या टैब में लिख लेंगे और फिर सर्च करना मैं आपको बताती हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को कि किस तरीके से हम देखते हैं एम स्कोप एक्सेप्टेंस रेट और फ्रिक्वेंसी और ये स्कोपस है कि नहीं है। तो मैं कुछ जर्नल डिस्कस करूंगी और वो अच्छे जर्नल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगी, तो आपको उन जर्नल्स के बारे में भी पता लगेगा, अगर आपसे वो मैच करते हैं तो आप उनको वहां पे भेज सकते हैं उन जर्नल्स में। है तो अब आपको क्या करना है, scopus.com यहाँ पे टैब बार में क्लिक करना है। तो आपका इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब जिस जर्नल को हम सर्च करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे हम उसका टाइटल एंटर करेंगे। अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्रेस,
फाइंड सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जर्नल आ गया है, तो उसका मतलब ये है ये स्कोपस में है। अब इस पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये कब से कब तक स्कोपस में था। तो ये 2019 से अभी तक स्कोपस में है। यहाँ आप इसका साइटेड स्कोर देख सकते हैं, SGR देख सकते हैं, और यहाँ से ये लास्ट अपडेट कब हुआ है ये देख सकते हैं। जैसे कि अभी 4 नवंबर में लास्ट अपडेट हुआ है। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सीधा इस जर्नल को जो है सीधा क्यों नहीं जा रहे हैं सर्च इंजन से, हम यहाँ स्कोपस की साइट से क्यों जाना चाह रहे हैं? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग प्रॉक्सी सर्वर बना के रहते हैं, फेक वेबसाइट्स बना के रखते हैं, और हम इन जर्नल्स पे नहीं पहुंच पाते, हम इनके जैसे जर्नल्स पे पहुंच जाते हैं। तो हम क्या करते हैं scopus.com से इसके, ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि ये स्कोपस का है, साथ में सोर्स होम पेज जो इसकी एक्चुअल वेबसाइट है उस पे पहुंच जाते हैं। अब हमने उस पे क्लिक किया, अब इसकी एक्चुअल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो ये अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसके क्या कर सकते हैं, एम और स्कोप देख सकते हैं। जब आप अबाउट द जर्नल में गए तो यहाँ पे आप इसका फ्यूचर एंड स्कोप देख सकते हैं कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट इससे कितना मैच करता है। जैसे कि ये अप्लाइड साइंस के काफी सारी एरिया कवर करता है, साथ में इंजीनियरिंग के भी कवर करता है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा जर्नल है। उसके अलावा आप यहाँ पे पब्लिकेशन टाइप की किस तरीके के आर्टिकल्स पब्लिश करता है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पब्लिकेशन फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि ये 4 इश्यूज पर ईयर है, तो ये क्वार्टरली जर्नल है, तो आप पब्लिकेशन फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं। पब्लिकेशन फ्रिक्वेंसी मंथली है, बाय मंथली है, क्वार्टरली है, या हाफ ईयरली या ईयरली पब्लिश होता है पेपर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अबाउट द जर्नल के अंदर। और पी रिव्यू प्रोसेस और जो भी इसकी हिस्ट्री है जर्नल की, आप उसको भी देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इंडेक्स्ड है। इधर साइट से ऐसे ही अब हम दूसरे जर्नल को डिस्कस करते हैं। क्या करिए, यहाँ पे अब जो आपको सेकंड जर्नल के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम लिखते हैं। जो हमारा सेकंड जर्नल है वो है जर्नल ऑफ हाउसिंग फॉर द एल्डरली, फाइंड सोर्स। इस पे क्लिक किया हमने जर्नल पे, तो स्कोपस है ये क्लियर हो गया। तो स्कोपस साइट पे आने का एक रीजन ये भी होता है, आप देख सकते हो जर्नल ऑफ हाउसिंग फॉर एल्डरी, इसका जो पब्लिशर है वो अच्छा पब्लिशर है, टेलर एंड फ्रांसिस का ये जर्नल है। स्कोपस में भी है, बट स्कोपस में क्या दिख रहा है कि बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो रहा है जर्नल। तो जैसे 83 से 95 तक था, उसके बाद 1 ईयर के लिए डिसकंटिन्यू हुआ, 97 में था, 98 में फिर डिसकंटिन्यू हुआ, 99 में था, फिर डिसकंटिन्यू हुआ। तो होता क्या है, आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि ये जर्नल है, आपने उसमें पेपर भेजा अपना, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सेंड की, जिस ईयर आपके फ्रेंड ने बताया आपको वो जर्नल उस टाइम स्कोपस में था, जब आपने इसमें मैन्युस्क्रिप्ट भेजी तो मे बी ये डिसकंटिन्यू हो गया हो। तो आप इसको यहाँ से चेक करिए कि जिस टाइम आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट इसमें सेंड कर रहे हैं ये स्कोपस में है या नहीं है। इसका ये साइटेड स्कोर है, और लास्ट अपडेट देख लेते हैं इस जर्नल का कब हुआ है। तो 6 मई 2020 में ये लास्ट अपडेट हुआ है, उसके बाद ये अपडेट नहीं हुआ है। तो 19 तक है, मतलब अभी ये स्कोपस में नहीं है, डिसकंटिन्यू हो रखा है ये जो जर्नल है। तो ये चीज चेक करने की है, तो इसलिए इसके सोर्स पेज पे मैं नहीं जा रही हूँ,
है ना, क्योंकि अभी ये जर्नल जो है डिसकंटिन्यू हो रखा है। ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड किया था जिससे आपको ये बता सके कि ये देखना क्यों जरूरी हो जाता है किसी भी जर्नल के लिए। चलिए तो अब दूसरा थर्ड जर्नल जो है हमारा, थर्ड जर्नल पे चलते हैं। थर्ड जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स। जर्नल आ गया है, हमने इस पे क्लिक किया तो ये 2009 से अभी तक स्कोपस में है। 1.4 इसका साइटेड स्कोर है। फिर नीचे आते हैं, देख सकते हैं जो उसका साइटेड स्कोर ट्रैकर है 1.5। अभी लास्ट अपडेट जो हुआ है वो 4 नवंबर 21 में अपडेट हुआ है। अब इसके सोर्स होम पेज पे चलते हैं। सोर्स होम पेज से आप इसका एम एंड स्कोप देख सकते हैं। तो ये पावर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल्स। तो आप देख सकते हैं काफी सारे एरिया ये कवर करता है। तो ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी में हमारा जर्नल आता है। उसके अलावा आप यहाँ पे एम वन स्कोप पे आर्चीव पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कितनी बार पब्लिश होता है ईयर में। तो जैसे ये क्वार्टरली जर्नल है, अभी लास्ट टाइम हम लोगों का भी एक पेपर इस जर्नल में आया है 2020 के फोर्थ इशू में। नंबर पे है ये, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कितनी बार डाउनलोड हुआ है। तो जैसे ये 397 टाइम्स जो है डाउनलोड हो चुका है पेपर। अब हम फोर्थ जर्नल पे चलते हैं, उसको सर्च करते हैं। फोर्थ जर्नल है हमारा जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिव्यू ये भी सर्च होके आ गया है। तो ये भी स्कोपस का पेपर है, तभी ये सर्च हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2008 से 2% अभी तक स्कोपस में है। साइटेड स्कोर इसका 1.2 है और ये लास्ट अपडेट हुआ है 1.0 इसका साइटेड स्कोर ट्रैकर है, जो कि 4 नवंबर 21 में अपडेट हुआ है। अब इसका यहां से आप सोर्स होम पेज पे क्लिक कर सकते हैं। यहां से एम एंड स्कोप देख सकते हैं इस जर्नल का, किन किन आर्टिकल्स को ये अपने जर्नल में पब्लिश करता है वो चीजें आप देख सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल, लेटर्स टू एडिटर, नोट्स, कमेंट्स, रिव्यू आर्टिकल्स, लेक्चर नोट्स,
मोनोग्राफ्स, इनोवेशंस, सिलेक्टेड कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स, ये सब पब्लिश करते हैं। फिर आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिंग देख सकते हैं, तो स्कोपस में है ये, ऑलरेडी मैं आप लोगों को शो कर चुकी हूँ। अब हम इसके इश्यूज पे चलते हैं। तो यहाँ से आप इसके इश्यूज देख सकते हैं कि ईयर में कितनी बार पब्लिश होता है। तो ये भी क्वार्टरली जर्नल है, 4 इश्यूज आते हैं इसके 1 ईयर में। और इस जर्नल में भी हम लोगों का एक अभी पेपर आया है इसका 4th इशू में। ये जर्नल है में 4th इशू के अंदर पेपर है, टीम कम्युनिकेशन अप्रोच इन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अब तक आपको वीडियो में किस तरीके से स्कोपस इंडेक्स जर्नल सर्च करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, समझ में आ चुका है। तो मैंने जो आज 4 जर्नल डिस्कस किए हैं वो 4 जर्नल्स हैं, अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, जर्नल ऑफ हाउसिंग फॉर द एल्डरली, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिव्यू। और मैंने आपको बता भी दिया है कि इनमें से 2 स्कोपस जर्नल ऐसे हैं जिसमें मेरे भी पेपर आए हैं, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्कोपस जर्नल हैं, तो आप इसमें भेज के देख सकते हैं अपना पेपर अगर आपसे ये मैच कर रहा है ये। और फिर आगे हम और कुछ जर्नल्स के साथ आएंगे स्कोपस इंडेक्स जर्नल लेके, कोशिश करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी ही हम डिस्कस करें, और ऐसे ही हम SCI के लिए भी लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर सही अच्छा लगा है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। आप लोग जो शेयर करते हैं या सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, विश्वास करिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाने का सोच पाती हूँ। अदरवाइज बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसमें टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाना अपने आप में एक टास्क है, और आप लोगों के उस कमेंट्स की और लाइक्स से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये कर पाती हूँ। तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।